थोड़ी देर ऊपर टंग रहोगे ना तो सारी गर्मी उतर जाएगी। बॉस बॉस, आप तो मोटू को दलदल में फंसाने चले थे पर खुद ही पानी पानी हो गए। मुंह बंद करो, मुंह बंद करो, वरना रेगिस्तान में छोड़ा होगा। ये मोटू पता नहीं कौन सी जन्म घुट्टी पीकर बड़ा हुआ है। इसके रास्ते में मैं कितने भी बड़े रोड़े अटकाता हूँ, सब फेल हो जाते हैं। कुछ तो और सोचना पड़ेगा। क्या करो क्या करो, सोच लिया। चलो सुनिए सुनिए, आज की रात बहुत कीमती है। अगर मोटू ने आज रात भी साइकिल चला ली तो कल की सुबह मोटू चैरिटी के पूरे 5 लाख रुपए जीत जाएगा। पतलू, मैं बहुत थक चुका हूँ, बहुत थक गया हूँ। मेरी आंखें नींद से बंद हो रही है। मोटू, तुमने इतनी हिम्मत दिखाई है, बस कुछ घंटे और। आंखें खोलो मोटू, मोटू आंखें खोलो, सोना मत। हाँ मोटू, सोना मत, सोना मत, जागते रहो जागते रहो। मोटू मोटू मोटू। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी। सो जा लिटिल मोटू, सो जा। मम्मी पापा आएंगे, 4 खिलौने लाएंगे। सो जा लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी। सो जा मेरे बच्चे, सो जा। मोटू सोना नहीं, मोटू तुम्हें चैरिटी में मिलने वाले 2200 की कसम, सोना मत। उठो प्लीज, उठो 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 उठो। और ये लोरी की आवाज कहाँ से आ रही है यार? मोटू जागो, जागो मोटू। डॉक्टर झटका, मैं और चिंगम सर इस लोरी वाले को ढूंढते हैं। आप और घसीटा राम, मोटू को सोने मत देना, जगाए रखना। मोटू सोना मत, सोना मत। सुबह होने में बस कुछ ही घंटे बचे हैं, हम तुमको एक जोक सुनाते हैं। लोरी बंद करो। क्यों बंद करो? मुझे अपनी मम्मी की याद आ रही है, वो मुझे ये लोरी सुनाकर सुलाती थी। अयो मां जान, हे स्टॉप स्टॉप इधर वफ़ल। बताओ कि जिसने तुम्हें पोलियो ड्रॉप पिलाया था वो दिखने में कैसा था? बोला? वो छोटा सा, नाटा सा, नन्हा सा दिखता था, उसकी दाढ़ी भी थी। बस इतना ही काफी है, वो और कोई नहीं जॉन द डॉन ही था। उसने ही तुम्हें पोलियो ड्रॉप की जगह कुछ और ही दवाई पिला दी थी। जॉन को मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं जा रहा हूँ जॉन को सबक सिखाने। मोटू रुक जा मोटू, जॉन ने एक दवाई तुम्हें पिलाई तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि क्यों ना तुम भी एक दवाई जॉन को पिलाओ। राम, ये रातों रात तुम इतने हैंडसम सॉलिड बॉडी वाले कैसे बन गए? बोलने का मन नहीं है फिर भी तुमको बोलता है। डॉक्टर झटका ने एक स्पेशल दवाई बनाया है जिसको पीने के बाद हमारा बॉडी ऐसा सॉलिड मस्कुलर बन गया है। हम तो बोलता है पतलू कि तुम भी ऐसा ही सॉलिड मस्कुलर बॉडी बना लो। बस
सलाम, दुश्मनों को भी सलाम। अब मैं भी सॉलिड बॉडी वाला बनूंगा। ये दवा मैं डॉक्टर झटका के लैब से लाया हूँ। मुझसे किसी ने भी पंगा लिया तो मैं उसकी डाय फिश कर दूंगा। तुमने भी डॉक्टर झटका का दवाई पिया है क्या? हाँ हाँ, पिया है। लेकिन हमको तो अपना नॉर्मल बॉडी ही पसंद है। तुम लोग क्या बोलता है? ये क्या है? इसका मतलब मैं तगड़ा नहीं हूँ। भैया, तुम्हारे आर्मर को तो वो टीन के डब्बे चबा गए। पतलू, अब तुम ही कुछ करो। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती। आइडिया, जब सारे के सारे तरीके फेल हो जाए तब एक ही तरीका काम करता है, समोसे का तरीका। चलो मोटू, समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। चलिए रोबोट अंकल, रोबोट अंकल टेबल को तो छोड़ दो, आपका पेट है या कुआं? सॉरी सॉरी, कितने दिनों से मैं बिना कुछ खाए पिए जंगलों में सिर्फ भाग ही रहा हूँ। अब खा लेने दो। अंकल जी, अभी खाने का नहीं भागने का टाइम है। चलो चाय वाले भैया, जल्दी से दो चार प्लेट भर कर समोसा खिला दो, आज मुझे रोबोट से निपटना है। मोटू, जल्दी जल्दी समोसे खाओ, रोबोट्स आ गए हैं। डोंट वरी पतलू, आज या तो ये सब नहीं या फिर मैं नहीं। आ जाओ पतलू, देख के तो लगता है कि ये सब डर गए। पतलू, इन्होंने तो समोसे भी खा लिए। मोटू, सोचो और देखो, इन रोबोट्स ने तुम्हारे हिस्से के समोसे तुमसे छीन कर खा लिए। अभी से कुआं खोदूंगा। पिछली बार तो पता नहीं कैसे भूकंप आ गया और तुम बच गए, लेकिन इस बार लोग तुम्हें जरूर बुद्धू समझ के निकाल देंगे। क्यों मोटू, अब की बार क्या कार्यक्रम चल रहा है? ये कोई कार्यक्रम नहीं है, मैं एक कुआं खोद रहा हूँ जिससे फुरफुरी नगर को पानी के संकट से बचा सकूं। यहाँ सूखा पड़ने वाला है। मिल गया।
पाइपलाइन टूटने से पूरे शहर में पानी नहीं है। अब तो एक ही रास्ता बचा है, चलो मोटू के कुएं से पानी निकालते हैं। मोटू भैया, क्या हम तुम्हारे कुएं से पानी ले लें प्लीज? अरे ये भी कोई पूछने की बात है, ये मेरा कुआं नहीं है, हम सबका कुआं है। मोटू को छोड़ूंगा नहीं। मोटू, तुम्हें पहले से ही भूकंप और वाटर प्रॉब्लम की बात कैसे पता चली? मुझे मेरे फैमिली एंजल ने बताया था। फैमिली एंजल? कैसा दिखता है तुम्हारा फैमिली एंजल? कहीं वो छोटा सा नाटा सा तो नहीं, दाढ़ी वाला? बिल्कुल वैसा ही दिखता है, वैसा ही दिखता है। वो और कोई नहीं, जॉन ही होगा। लेकिन एक बात तो तय है, जॉन ने तुम्हें बुद्धू बनाने के लिए जो भी किया उसकी वजह से पूरा फुरफुरी नगर बच गया। चलो अब हमें जॉन को बुद्धू नंबर वन बनाना है। मोटू, तुम्हारा फैमिली एंजल तो सच में फरिश्ता। अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो।